हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरला अमिता। आज की रेसिपी में हम उपमा बनाएंगे वेजिटेबल वाला। तो यहाँ पर हम सारी सब्जियाँ इसमें डालकर और बहुत ही अच्छा उपमा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है और हम यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले लेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे 5 मिनट के लिए। गैस को हमने लो कर दिया है और इसे धीमी आंच पर हमको इसका कच्चापन निकालना है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, ना ही इसका हमें कलर चेंज करना है। तो हम इसे इस तरह से बीच बीच में हिलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें जिससे कि इसका कलर चेंज ना हो और ये अंदर से इसका कच्चापन चला जाए। बस इतनी देर हमको इसे रोस्ट करना है। तो यहाँ पर 4-5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूँगी और अब हम यहाँ पर उपमा बनाएंगे। वही कढ़ाई मैंने फिर से रख दी। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल गरम होते ही मैं इसमें राई जीरा डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर राई जीरा डाल दिया है। इनको अच्छे से चटकने देंगे। आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई डालकर अच्छे से चटका लेंगे। हम यहाँ पर राई को अच्छे से चटक जाने दें जिससे कि उसमें कड़वाहट ख़त्म हो जाए। यदि राई चटकेगी नहीं तो कड़वा स्वाद आएगा, इसलिए हम इसे अच्छे से चटकने देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ताजे कड़ी पत्ता बारीक बारीक चॉप करके रखे थे, वो डाल दिए हैं। कड़ी पत्ता जब भी डालें तो इसको ढक दें जिससे कि ऑयल ऊपर ना उछटे और गैस के आजू बाजू भी ख़राब नहीं होता। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच उड़द की दाल को अच्छे से धोकर और सुखा कर थोड़ी सी और इसमें डाल दी है जिससे कि ये अच्छे से इसमें रोस्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने मटर डाल दी है। अब मैंने इन सबको ढक दिया है, 2 मिनट के लिए ढक दी थी जिससे कि मटर सॉफ्ट हो जाए और इनको अच्छे से चला देंगे। यहाँ पर मैंने गाजर को बारीक चॉप कर लिया था तो 1 गाजर डाल दी है बारीक चॉप करके, इसको भी एक बार चला देंगे। तो यहाँ पर हम जो सब्जी हमें पसंद है वो डालकर और एक हेल्दी उपमा बनाएंगे। 1 मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च डाली है, गाजर, शिमला मिर्च और मटर। अब हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे। तो मैंने 1 छोटी प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। तो यहाँ पर जो सब्जी आपको पसंद है वो आप उपमा में ज़रूर डालें और एक हेल्दी उपमा बनाकर खाएं। तो ये सारी सब्जियाँ हमको इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर तिल डाल दिए हैं। तो हमें यहाँ पर सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें क्रंच बना रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक, और अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, 2 पिंच के करीब, जिससे कि थोड़ा कलर आ जाएगा। लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, आप जितना तीखा फीका खाएं उस हिसाब से। धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और अब हम इनको मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ये बोल रही थी कि यदि आप इमली का रस नहीं डालना चाहते या इमली नहीं डालना चाहते तो आप आमचूर या नींबू का रस ये डालकर भी उपमा बना सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 टमाटर डाल दिया है बारीक चॉप करके, होममेड मसाला डाल दिया है। मैंने यहाँ पर अलग से उपमा बनाने के लिए एक मसाला बना कर रखा है। तो मैं जब भी उपमा बनाती हूँ तो वही मसाला यहाँ पर उपयोग करती हूँ। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पर साबर मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी। तो मैंने 1 कप
सूजी सेकी थी उसके लिए मैं यहाँ पर 4 कप पानी डाल दिया है। और अब हम इसको ढककर रख देंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से उबलने लग गए हैं। अब हम इसे यहाँ पर सूजी डालेंगे। तो सूजी को हम थोड़ी थोड़ी करके और इस तरह से चलाते हुए डाल देंगे जिसमें कि इसमें लम्स ना बने, नहीं तो फिर उनको फोड़ने में टाइम लगता है। तो हिलाते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाएंगे जिससे हमारा लम्स फ्री और बहुत ही स्वादिष्ट उपमा बनकर तैयार होगा। इसमें बहुत सारी सब्जियां डली हैं और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी उपमा बनकर तैयार होगा। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में इस तरह की हेल्दी ब्रेकफास्ट ही बनाकर खाना चाहिए। यहाँ पर देखिए उपमा बनकर तैयार है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच भरकर देसी घी डाल दिया है जिससे कि ये और भी स्वादिष्ट। तो अब यहाँ मैंने उपमा प्लेट में लगा लिया है। देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो सुबह के नाश्ते में इस तरह से आप कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी सब्जियाँ हों। यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें मिर्ची बिल्कुल भी ना डालें, बिना मिर्च के ही बनाएं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।